मैं आयोजित से चाहूंगी उनको संस्कार देकर के सम्मानित करें। मैं समय आप लोग यार आगे क्यों जा रहे हैं यार भाई? बहुत शानदार खेल, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनका और उसके प्रदर्शन के बल पे मैन ऑफ द मैच। अब मैं आवाज दूंगा इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का और जिसको मैन ऑफ द सीरीज कहा जाता है। मैं आवाज दूंगा जर्सी नंबर 5 के माइकल सिवान को, जो 4 जर्सी नंबर 5 में माइकल सिवान। मैं आयोजित मंडल से निवेदन करूंगा कि इनको जो है लेकर के सम्मानित करें। खिलाड़ी जो पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन के बल पे आज मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं, मैं बहुत बहुत बधाई। आप एक और प्राइज हमारे पास है, एक और प्राइज बेस्ट ऑफ 22 यानी 250 प्लेयर में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका। तो मैं आवाज देना चाहूंगा नेपाल का 12 नंबर का शंकर थारू को, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार प्लेयर 12 नंबर शंकर थारू, बेस्ट ऑफ 22। अब देखिए ये नतीजा जो है केवल दास से हुआ है, बाद बाकी तो टीम बराबरी के लिए। तो मैं अब दोनों कप्तानों से निवेदन करूंगा, आप दोनों कप्तानों से कि आप दोनों लोग आए और संयुक्त रूप से अपना अपना इनाम जो है साथ में ले, दोनों कप्तान सिवान और नेपाल दोनों टीम के कप्तान अपने अपने प्लेयर साथ जो आ जाए। एक ही प्लेयर है, केवल कप्तान आवे, एक प्लेयर है, एक प्लेयर जाइए मुन्ना जी आइए। और मैं नेपाल के कप्तान प्राइज भी मिलता हुआ सिवान की टीम को, संयुक्त रूप से सिवान की टीम। मुन्ना जी इस आयोजन के लिए एक शब्द बोलना पड़ेगा, वही आयोजन एक शब्द बोलना पड़ेगा। इस तरह का आयोजन देखिए इस क्षेत्र में इस तरह का आयोजन होना संभव नहीं है, मैं असंभव मानता हूँ इस तरह का आयोजन। तो मैं एक शब्द जोड़ू इस आयोजन के लिए। कमिटी और दर्शक बहुत अच्छा लगा खेल के, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, नेपाल के कप्तान से निवेदन करूंगा कि अपना जो है प्राइज ले और टेस्ट प्राइज जो है हमारे आयोजन का। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा दोनों ही टीमों का, इसमें कहे कोई दो राय नहीं, कोई कह नहीं सकता है कि कौन जीतेगा, ये संभव था ही नहीं। और उसका नतीजा आगे जांच के माध्यम से अब नेपाल 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 के कप्तान एक सही रूप से फोटो हो जाए कस्तरी खुशी बात है बोला नेपाल से के बोला। अब नेपाल के कप्तान दो शब्द आपको पूछूंगा, देखिए आप हमारे देश में आए हैं, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि का नारा हिंदुस्तान देता है। दोनों संयुक्त रूप से उधर देखिए संयुक्त रूप से बहुत
मैं नेपाल की सत्ता नहीं खुजन इतना अच्छा आयोजन इस ग्रामीण आप बहुत खेले होंगे, बहुत जगह अपने देश में भी खेले होंगे, इंडिया में भी खेले होंगे, इस तरह का आयोजन और इस तरह की पब्लिक आपने पहले कब देखा? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब तो जो मेडल है ये मेडल दोनों कप्तान के जो निवेदन करूंगा कि अपना अपना अभी चलो मुन्ना बाबू नेपाल यहाँ पर इधर मारना हो जरम मार गाड़ी का विशाल विशाल चले जाओ इधर मारना भाई हाँ यही जगह तो वहाँ विशाल कहाँ गया शिवाय वो कल है मिल लेना चाहिए मिल ले बने बहुत अच्छा अब अपना अपना जो सामान जो है नेपाल के प्लेयर नेपाल और ये जो सामान है एक सुगान का दो सुगान का दे दीजिए हाँ सुगान को दे दीजिए अब इसके बाद ये नेपाल नेपाल ले जाओ एक पकड़ लो बाबू और आइए पकड़ो ओके अब जैसे खेल के धूल पे नागिन नाचता है उनके जो है बुकिंग के धूल पे खिलाड़ी खेलता अपने कला का प्रदर्शन करता है और जो गलत स्टेप उठाता है तो उसको डिसिप्लिन में लाने का काम हमारे निर्णायक सहमत का होता है जो हमेशा अपने डिसिप्लिन के माध्यम से खेल को शानदार और स्वच्छ रूप से सुंदर रूप से चलाते हैं। मैं अब आवाज दूंगा हमारे रेफरी महोदय नूरुद्दीन साहब जो पूर्वोत्तर रेलवे मऊ से है आए और अपना जो है प्राइज दिए नूरुद्दीन साहब। उसके बाद मैं आवाज दूंगा मंसूर साहब को राजू अंसारी जी को और अंकित कुमार जी को आप सारे लोग आए हैं और अपना अपना इनाम जो है हमारे निर्णायक महोदय आयोजक मंडली के द्वारा अभी ग्राउंड में हूँ 10 मिनट में फोन करता हूँ। हाँ प्राइज एकदम आइए अब एक पैसा एक इनाम जो है नेपाल की टीम के लिए जो बोल उतारने पर था वो पैसा जो है यहाँ रखा हुआ है नेपाल के मैनेजर बोल खुला करके दे दीजिए। अब मैं तो गोल उतारने पर नेपाल का प्राइस था कितना हो रहा है सर 5,000 रुपया 2,500 रुपया का प्राइस। मैं नेपाल के कोच आई मैं निवेदन करूंगा क्या है अब जो है नेपाल की टीम और सिवान के कप्तान आपका 1,000 का प्राइस छुटा हुआ आगे ले लीजिए
ये बोल पे जो प्राइस था सिवान के 1000 रुपया आके लीजिए, दौड़ के आइए। कप्तान मुंडा 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 यादव जी, अब तो है अब मैं एक निवेदन करूंगा, जिनकी कलम से हम तो खेल देखते थे, लेकिन जो घर बैठे बैठे सारी न्यूजों को पढ़ा करते थे, जिनकी कलम की ताकत जो है हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाती है, मैं निवेदन करूंगा केसी गुप्ता जी, जो ब्यूरो चीफ है राष्ट्रीय सहारा के, जितेंद्र पांडे जी ब्यूरो चीफ है अमर उजाला के, और श्याम नारायण मिश्रा जी ब्यूरो चीफ है दैनिक जागरण के, असलम खान साहब, नदीम खान साहब, गब्बर खान साहब, जैनुद्दीन मास्टर साहब, असलम खान साहब, नदीम खान साहब, ये यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक इस मैच का पूरा जो है मजा लोगों तक पहुंचा रहे थे। असलम खान साहब, मैं नदीम खान साहब को आवाज दूंगा, गब्बर खान साहब, जैनुद्दीन मास्टर साहब, देखो तो रही है। जैनुद्दीन मास्टर साहब, दानिश आ जाओ, जो दानिश मिराज के नाम से जो है यूट्यूब चलाते थे, और यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक इस मैच का पूरा आनंद जो है लोगों तक पहुंचाते थे, मैं दानिश को आवाज दूंगा। है दानिश और यूट्यूबर दानिश को सम्मानित करते हुए सही भाई, हमें जिनकी आवाज से इस आयोजन में चार चांद लगता था, मैं मास्टर फकर अंसारी साहब से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा चाहे और अपना जो है इनाम ग्रहण करें, मास्टर फकरुद्दीन अंसारी साहब। बहुत अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि नसीम प्यारी साहब जो कमेटी से आपका मन मोह लेते थे तो जाए और अपना इनाम दें, नसीम प्यारी साहब। बहुत अच्छा, कितना
हम एक गुजारिश और है, मैं गुजारिश करूंगा वाईएमसी नवलपुर के नौजवानों को, वाईएमसी के नौजवानों का मैं नाम ले रहा हूं, आप लोग लाइन से आ जाए। शहीद अंसारी साहब, शहीद अंसारी साहब रुस्तम अली जी, पुरस्कार जी नूरुल हुदा उर्फ सुकन जी, नौशाद मास्टर मुमताज जी, अच्छा रुस्तम जी गए हैं। अब जो सरकार जी से मैं गुजारिश करूंगा कहा है, इनकी मेहनत के बल पे यह टूर्नामेंट इस तरह का आयोजन हो रहा है, मैं वाराणसी के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं नूरुल हुदा उर्फ सुगन जी, इसके बाद फिरोज, बहुत अच्छा, उसके बाद नौशाद, नौशाद जी, इसके बाद मास्टर मुमताज साहब, इसके बाद इजहार साहब, इसके बाद टिप्पू साहब, इसके बाद असलम साहब, इसके बाद असलम साहब, इसके बाद ताहिर जी, ताहिर साहब, इसके बाद उर्फ अप्पू, इसके बाद मैनुद्दीन साहब, मैनुद्दीन साहब, मैनुद्दीन साहब के बाद मोनू साहब, मोनू जी, उसके बाद अजीज साहब, अजीज साहब, अजीज साहब, इसके बाद सलीम, सलीम साहब, इसके बाद सरफराज नेताजी, सरफराज नेताजी, इसके बाद इसमें आजम साहब, इसमें आजम साहब, जुबेर खान साहब, जुबेर खान साहब, आइए जुबेर भाई, और इसके बाद जुबेर सिद्दीकी जी, शाह आलम साहब, शाह आलम साहब, वाईएमसी के नौजवान बुजुर्ग हैं जिनके देख रेख में यह टूर्नामेंट इस तरह का हो रहा है। अब मैं जुबेर खान साहब के बाद में शाह आलम साहब के बाद जीएम अंसारी साहब, छोटक जीएम अंसारी साहब, जीएम अंसारी साहब, जमाल अख्तर साहब, जमाल अख्तर साहब, जमाल अख्तर साहब, उसके बाद अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी के बाद इमरान साहब, इमरान साहब,
उसके बाद अशोक माली, अशोक माली साहब आ जाइए, अशोक जी आइए अशोक भाई, बिल्कुल बहुत मेहनत YMCA के नौजवानों का, और अभी यह जो है प्राइज वितरण जो है अब मैं फिजियो डॉक्टर सदाब साहब जिनकी दवा लाइलाज उसका कोई मतलब नाम सुनते ही पीएच ठीक हो जाता था। जब से आया कैसे नाम लिया डॉक्टर सदाब साहब, लगता है बड़ा सा इंजेक्शन लगाते हैं इसलिए डर के मारे पहले ही खड़ा हो जाता था। तो डॉक्टर सदाब खान साहब जो पूरे मैच में अपने शानदार दवा और दुआ के साथ इस आयोजन को सफल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सदाब खान साहब का। मैं निवेदन करूंगा प्रबंधक जी से ये कुछ कहा है और मैं निदेशक जी से गुजारिश करूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश में रहकर जो इस ग्रामीण अंचल को जो इतना बड़ा मुकाम दिया कोई अगर सुनता है तो हम लोग को भी सीधा चौड़ा करके बोलना पड़ता है कि हाँ हमारे ही गांव के हैं, हमारे बगल के हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि दो शब्द इस आयोजन समिति के लिए देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 के अवसर पर इस मौके पर जो है जो ये फुटबॉल का मैच जो आयोजन किया गया कर लीजिए।